नमस्कार, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटका कुल्फी। तो चलिए इसे बना लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 लीटर फुल क्रीम अमूल दूध और इसे कढ़ाई में या जिस बाउल में बनाना है उसमें डाल लेंगे कट करके। और इसमें डाल देंगे 2 कप पानी और अब इसे गैस पे चढ़ा लेंगे, फ्लेम मीडियम कर लेंगे और इसे हल्का हल्का चलाते रहना है। दूध को हमें आधा होते तक पहले पका लेना है, तो इसे मीडियम फ्लेम पे ही छोड़ देंगे। ऐसे ही 10 से 12 मिनट में ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है और जो भी मलाई साइड पे आ रही है इसे हटाते जाना है। दूध को हमने लगातार चलाते हुए अच्छे से गाढ़ा कर लिया है और अब इसके लिए शुगर सिरप बना लेंगे। तो दूसरा कढ़ाई या बाउल चढ़ा लेंगे और इसका भी फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप, 1 छोटा कप शक्कर। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ पीसा हुआ शक्कर। इसको हमें कैरमलाइज कर लेना है। बस फ्लेम का ध्यान रखेंगे, फ्लेम बिल्कुल भी कम रखना है। और अब इस स्टेज में थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 1-2 छोटा चम्मच। तो शुगर जो है कैरमलाइज हो गया है, गैस बंद कर लेंगे और अब इसमें डाल लेंगे जो हमने कैरेमल बनाया है। अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से मिला देंगे और गैस बंद कर देंगे। इसे हमें ठंडा होने देना है और आप चाहे तो इसमें नारियल डाल सकते हैं ग्रेट किया हुआ। तो मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नारियल और इसे भी साथ में अच्छे से मिला लेंगे। कुल्फी अच्छे से ठंडा हो गया है तो इसे डाल लेंगे। बादाम और पिस्ता से गार्निश कर लेंगे और अब इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज करने रख देंगे। मटका कुल्फी तैयार है। ठंडी ठंडी मटका कुल्फी बनके तैयार है, तो आप भी इसे जरूर ट्राई करें। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप इसे मेरे इंस्टाग्राम पेज जायका विद कुलेश पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।